साल 2019 की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव 2020 में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर बड़ा चुनावी मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एनआरसी को लेकर बुधवार को चर्चा के दौरान सीएम केजरीवाल ने बयान दिया, दिल्ली में एनआरसी लागू होगा तो सबसे पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी को दिल्ली छोड़कर जाना होगा। इसके बाद सियासत तेज हो गई। ताजा घटनाक्रम में गुरुवार को भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और विधायक सौरभ भारद्वाज के खिलाफ पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में शिकायत दर्ज करवाई। यह शिकायत भाजपा नेता कपिल मिश्रा के साथ नीलकांत बख्शी ने भी दर्ज करवाई है। मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा विधायक सौरभ भारद्वाज के खिलाफ अफवाह फैलाने, शांति भंग करने का प्रयास करने, जानबूझकर सोशल मीडिया के माध्यम से झूठ प्रचारित करने के साथ दिल्ली में रह रहे यूपी बिहार के निवासियों की भावनाओं को चोट पहुंचाने की भी शिकायत दर्ज करवाई गई है। सबसे पहले मनोज तिवारी को दिल्ली छोड़नी पड़ेगी। जो एनआरसी कार्रवाई हुई है वो बहुत ही उचित है और अब हम मांग कर रहे हैं कि उसको दिल्ली में भी होना चाहिए। क्यों लगता है दिल्ली में लागू होना चाहिए? क्योंकि दिल्ली में भी इलीगल घुस बैठी है। गृह मंत्री जी से अपनी दिल्ली की रिपोर्ट दूंगा ही दूंगा। हम आसाम के पूरी कार्यवाही का इंतजार कर रहे थे और चूंकि आसाम में ये सफलतापूर्वक हो गया है, 19 लाख लोग ऐसे मिले हैं, तो मैं निश्चित रूप से दिल्ली में इसको एनआरसी को लागू किया जाए, इसके लिए मैं जरूर गृह मंत्री जी से बहुत जल्दी मुझे बात लिखी उन्होंने जो मनोज तिवारी ने अपने बयान में कही थी। उनका कपिल मिश्रा का भी कहना यही था कि यूपी बिहार वाले देश का हिस्सा है और उनको देश के बाहर का बताना सरासर गलत है, बेबुनियाद है। एनआरसी के मुद्दे पे मुख्यमंत्री केजरीवाल का बहुत ही बेहुदा बयान आया है। उनका ये कहना कि अगर दिल्ली में एनआरसी लागू होगा तो यूपी और बिहार के लोगों को दिल्ली छोड़ के जाना होगा, ये बहुत बेहुदा है और बहुत ही शर्मनाक किस्म का बयान है। ऐसा लगता है कि जैसे एनआरसी वालों को एनआरसी समझ नहीं आ रहा है। एनआरसी क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, नेशनल। ये कोई दिल्ली रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स नहीं है कि दिल्ली से बाहर से जो भारत के लोग आए हैं, भारतवासी आए हैं, उनको दिल्ली छोड़ के जाना पड़े। क्यों ऐसे अनपढ़ों जैसी बातें कर रहे हैं केजरीवाल? क्योंकि वो बांग्लादेशियों को और रोहिंग्याओं को बचाना चाहते हैं। बांग्लादेशियों को और रोहिंग्याओं को अपना वोट बैंक बना के दिल्ली की राजनीति करना चाहते हैं, घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं, इसलिए यूपी के और बिहार के लोगों को ऐसे बता रहे हैं जैसे कोई देश के बाहर के लोगों। ये कह रहे हैं कि यूपी बिहार वालों को दिल्ली छोड़ के जाना पड़ेगा। मुझे लगता है ये बहुत ही शर्मनाक है, बेहुदा है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो देशद्रोहियों के साथ है वो ही एनआरसी के खिलाफ। बुधवार को दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, यदि दिल्ली में एनआरसी लागू होगा तो सबसे पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी को दिल्ली छोड़ना होगा। आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया था कि दिल्ली में एनआरसी लागू कर भाजपा यहां से बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को भगाना चाहती है। एनआरसी में 1971 से पहले के आवासीय प्रमाण पत्र वालों को ही दिल्ली का माना गया है। उन्होंने कहा, मैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी से पूछना चाहता हूं कि क्या उनके पास 1971 से पहले का दिल्ली का आवासीय प्रमाण पत्र है। भाजपा किसी न किसी तरह से उत्तर प्रदेश और बिहार के गरीब और मासूम लोगों को अपना निशाना बनाने का षड्यंत्र करती रहती है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अगर पिछले 5 सालों में मनोज तिवारी एक भी दिन अपने कार्यालय में बैठकर क्षेत्र की जनता से मिले होते तो उन्हें समझ में आता कि लोगों को इस मामले में कितनी परेशानी होती है। उन्होंने कहा, एक विधायक होने के नाते मैं और मेरे साथी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जब कोई महिला विधवा पेंशन या बुजुर्ग अपनी पेंशन के लिए कार्यालय में हमसे मिलने आते हैं, तय कानून के मुताबिक 5 साल पुराना आवासीय प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराना मुश्किल होता है। तिवारी जी चाहते हैं कि इस प्रस्ताव के तहत दिल्ली में रहने वाले उत्तर प्रदेश और बिहार और अन्य राज्यों के लोगों से 1971 का प्रमाण पत्र मांगा जाए।